Hello, good morning, assalamu alaikum. This is Khurram Shahzad and today's video is being recorded in collaboration with OCLP UMT. So, aaj ka topic hamara hai team building. Team building bahut important topic hai. Either aap school ka, university ka koi project kar rahe hain ya aap ek corporate environment mein kisi company mein kaam karte hain. Either aap ek team leader hain या आप एक टीम प्लेयर हैं, दोनों सूरतों में टीम बिल्डिंग की अवेयरनेस और इसकी इम्पोर्टेंस जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करें और उसमें सक्सेस हासिल करें तो आपको टीम्स में काम करना पड़ेगा। सो एक टीम दूसरी टीम के साथ मिल के काम कर रही होती है तो दो टीम्स के दरमियान कोलैबोरेशन सिनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विद इन अ टीम तमाम टीम प्लेयर्स एंड टीम मेंबर्स के दरमियान और फिर आपकी अपलाइन एंड डाउनलाइन के साथ आपकी कोलैबोरेशन। पाकिस्तान में काम करते हुए इंडस्ट्री में हमने देखा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम विच पीपल फेस इज दैट दे आर रिलक्टेंट टू वर्क इन अ टीम बिकॉज इस शख्स को गुस्सा बहुत आता है, ये थोड़ा डिफरेंट नेचर का है, ये शख्स तो जो है वो मेरे साथ इसकी बनती नहीं है। सो दीज आर द things which basically disturb the environment of a team. So important चीज़ क्या है कि आप सबसे पहली चीज़ याद रखें, आप अपनी objectives achieve करने organization में नहीं गए, आप organizational objectives को achieve करने के लिए उस team में बैठे हुए। So वो शख्स जैसा भी है, focus क्या होगा, आपने उसके साथ मिलके organization का objective achieve करना है जिसके लिए you have been hired in that team and in that company. So always focus on the bigger picture. ये याद रखें, आपको ideal लोग नहीं मिलते एक team में काम करने के लिए। So एक जैसे सब लोग एक जैसे नहीं होते, हर शख्स different है और अगर हर शख्स different है तो उसका temperament different है, उसकी thinking different है, उसके decisions different हो सकते हैं। So सीखना पड़ेगा किस तरह से आप अच्छे तरीके से एक team के अंदर रह के काम कर सकते हैं और उस टीम को अपनी कंपनी या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का बायस बना सकते, उसकी वजह बना सकते। सो टीम बिल्डिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें, जब भी आप एक टीम में काम करें सो आपने फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी अपने डिसीजंस में, अपने इमोशंस में, आपने अपने थिंकिंग पैटर्न में, बट देयर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी when we talk about the final goal. वो goal जो एक organization ने आपके department या आपकी team की जिम्मेदारी में दिया है। So being team member, ये important है कि आप professional relationship के साथ साथ personal relationship भी develop करें तमाम team members के साथ। For example, आप अपनी cricket team की example ले लें। अब क्रिकेट टीम में आप देखें, आपको अक्सर औकात डिफरेंट किस्म के स्कैंडल सुनने को मिलते हैं कि फ़लां कैप्टन को टीम एक्सेप्ट नहीं कर रही और टीम का कैप्टन फ़लां फ़लां मेंबर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। समटाइम्स ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड बात हो रही होती है और समटाइम पर्सनल बायसनेस आ जाती है। सो टीम में जब आप काम कर रहे हैं और उस टीम को कामयाब करना चाहते हैं, चाहे आप टीम प्लेयर हैं या टीम लीडर हैं, पर्सनल बायसनेस नहीं आनी चाहिए, हमेशा परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए। सो आप उस टीम के हिस्सा बन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें और वो टीम कामयाब हो सके और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कामयाब टीम कंसिडर की जाए। सो आई विश के आप सब जब भी किसी टीम में काम करने का मौका मिलेगा तो बेहतर, अच्छा परफॉर्म करेंगे, टीम प्लेयर बन के काम करेंगे। टीम प्लेयर बन के काम करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय टीम लीडर बन के काम करने से। एक अच्छा टीम प्लेयर ही एक अच्छा टीम लीडर बन सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़।